आपको बताते चलिए, लखनऊ राजधानी में बीती रात 9:45 पर बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। घटना थाना पारा की चौकी हंसखेड़ा के क्षेत्र में नई काशीराम में मकान नंबर 28/12 पति द्वारा पत्नी सोनी जायसवाल को बंदूक से गोली मार दी गई। महिला के हार्ट के पास लगी गोली। महिला की हालत ट्रोमा सेंटर में नाजुक बताई जा रही है। मोहल्ले वालों के मुताबिक पहले पति को छोड़कर विमल कुमार यादव से 6 महीने पहले महिला ने दूसरी शादी की थी। महिला का नाम सोनी जायसवाल, उम्र 34 वर्षीय। विमल कुमार ने अपनी पत्नी सोनी की पहले पिटाई की, उसके बाद दारू पीकर अपनी पत्नी को अपनी लाइसेंसी बंदूक से सीने पर गोली मारकर लहूलुहान कर दिया। गोली से घायल महिला सोनी जायसवाल मूल निवासी उदयगंज थाना हसनगंज की महिला सोनी जायसवाल क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोनी है। कहाँ रहती है? उदयगंज। ये पारा में काशीराम कॉलोनी में किसी की गोली लगी, कौन है आपके? मेरी बहन है। क्या नाम है उनका? सोनी। क्या घटना हुई, कैसे क्या हुआ है? उनके पति ने उनको बुलाया हुआ था और पति का क्या नाम है? विमल यादव। अच्छा, फिर? तो उनको बुलाया हुआ था। कहाँ बुलाया था? आलमबाग नहर पे पिंक बूथ के पास। उसके बाद वहाँ से इनको बात करते करते रास्ते में इनको मारा। बहन को हाथापाई करें, फिर बहन ने कहा मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ। ठीक है। फिर उसके बाद उनको बुलाया वहाँ पे, क्या कहते हैं, हम लोग थाने ले जा रहे थे चौकी पे। थाना कौन सा लगता है? इनका बहन का थाना लगता है पारा चौकी। अच्छा, फिर? और हम लोगों को बुलाया जा, मतलब ये हम लोग वहाँ ले गए थे उनको। एक दुबग्गा रोड जाती है, एक इधर वाली जाती है, उसको क्या इधर वाली रोड पे, मोहान रोड पे। हाँ, फिर क्या हुआ वहाँ पे? एक हम लोग वहाँ गए तो वहाँ सिपाही बैठे थे, उन्होंने कहा एप्लीकेशन दे देना कल आके। तो हम लोग वहाँ से चले आए, फिर हम लोग मतलब गए हंसी मजाक चल। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, कल चलना, सब रफा दफा कर देंगे। फिर इनके पति ने हंसी मजाक करने लगे, हम लोग भी हंसने लगे। हम लोगों ने सोचा मियां बीवी का मैटर सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, इनके पति ने दारू पी। दारू पीने के बाद हंसी मजाक में कब उन्होंने बंदूक निकाली और पहले शूट करा, तो हम पहले 2 गोलियां जेब में डाली उन्होंने और 1 गोली उसमें पहले से ही होगी, 1 या 2 गोली पहले से ही होगी, मुझे नहीं पता कि थी कि नहीं। और उसके बाद क्या करा उन्होंने, 2 गोली बंदूक की जेब में डालने के बाद सारी गोली कमर में लगा ली। उसके बाद शूट करा तो एक बार फट से हुआ तो नहीं, हम लोगों ने सोचा मजाक कर रहे हैं। फिर दूसरा करा, फिर नहीं हुआ, लेकिन तीसरे में शूट हो गई। फिर हम कहाँ गोली लगी है? उनको गोली दिल के पास लगी, यहाँ पे। आप थी वहीं पे? हाँ, हम लोग दोनों लोग वहीं पे थे और हम लोगों ने सोचा मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोगों ने दौड़ाया तो वो भाग रहे थे। मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला कहा कि इसने गोली मारी है, पकड़ो पकड़ो वो सब। अभी आपकी सिस्टर की हालत कैसी है? सीरियस बहुत है। अभी ट्रामा सेंटर में भर्ती है? ट्रामा सेंटर में भर्ती और है, आपके चल रहा है। जीजा जी कहाँ है जिन्होंने गोली मारी? भाग चुके हैं, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। अच्छा, पुलिस मौके पे आई थी? पुलिस वहाँ पे तो नहीं पहुँची थी, पुलिस यहाँ मौके पे आई, यहाँ पे आई मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर में, और जहाँ पे वहाँ से हम ठीक से बता नहीं पा रहे थे। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।